ग्राम पंचायत 30 एपीडी के गांव, 1 बी एस एम में सरकारी विद्यालय के शौचालय का निर्माण कार्य पिछले एक साल से चल रहा है। सरपंच को बार बार गांव के लोगों द्वारा सूचना करने पर भी झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इस गांव की आबादी में लगभग 100 घर निवास करते हैं, लेकिन इस गांव में पिछले 10 सालों से पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गांव में पीने के पानी की बात करें तो आज तक इस गांव की बनी डिग्गियों में एक बूंद पानी नहीं डाला गया। पीने का पानी टैंकरों से डलवाना पड़ रहा है, जिसे टैंकर वाले को 300 से लेकर 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। बॉर्डर की सीमा से लगता यह गांव आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। इस गांव की शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़ ज्योति संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। ऊपर क्या पड़े? सीमेंट पड़ा है ऊपर सारी। रोटी पकाओ भी माँ पड़ेगी? हाँ पड़ा है। क्यों कौन पड़ा? तो सर डिग्गियों की इतनी बुरी हालत है, आपने कभी सूचना नहीं की यहाँ का जो विभाग है उसको? हर बार की जाती है, हर बार जो भी कैंपेन्स लगते हैं उसमें बताया जाता है, हर बार वो आश्वासन दिया जाता है हमारे को कि अगले एक महीने में, दो महीने में आपको पानी की सप्लाई मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता हमारे को। पानी तो कभी देखा ही नहीं है, ये आपके सामने डिग्गी कभी बनने के बाद में। यहाँ का जो गाँव है वो पानी के लिए कहाँ जाता है और कहाँ से लेके आते हैं? सर ये पानी सिर्फ अपने पैसों से जो ट्रैक्टर टैंकर है जो सप्लाई आती है, जब नहर आती है उस टाइम पे डलवाते हैं। हर घर में अपने अपना वो स्टोरेज के लिए बना रखा है, उसी में वो दो टैंकर तीन टैंकर डलवाते हैं वो पैसों से। तो पर टैंकर कितने रुपए लेता है सर? 300 350 ऑफ टाइम होता है, तो सीजन के टाइम ऑफ टाइम में 450 तक भी उसका रेट हो जाता है, क्योंकि वो तो मनमानी है अपना पर्सनल है। 26 पीढ़ी तक से पानी, जब नहर नहीं होती है उस टाइम 26 पीढ़ी 30 पीढ़ी वहाँ से पानी मंगवाते हैं हम लोग। 26 पीढ़ी 30 पीढ़ी वाटर वर्क भरने नहीं देते, 26 पीढ़ी से लेके आते हैं, 500 रुपए लेता है टैंकर वाला, पानी नहीं होता था। और पांच सौ रुपए चीज है जो सुबह से लेके रात में सोते टाइम तक वो जरूरत है एक इंसान की, और वो ही हम पानी मोल का पी रहे हैं। तो एक टैंकर कितने दिन चल जाता है? 20 दिन चल जाएगा ज्यादा ज्यादा। नॉर्मल दो या तीन घर सदस्य होंगे तो महीना चला देगा, लेकिन पशु वगैरह भी तो होते हैं ना, पशु के लिए गाँव में मना हुआ छप्पड़ है तो उसमें पीते हैं, वो तो नहर आती है तो भर जाता है। पीने की पानी की समस्या, पानी की सुविधा बिल्कुल जीरो है इस गाँव में, जो भी घर है पानी पीने की मोल ही पी रहा है। आज की डेट में नीचे का पानी खारा है तो वही पीने का मजबूर है, तो उसके लिए पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो ये थे ग्रामीण 1/2 बीएसएम के, जो जिनका कहना है कि 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैंकर का जो पानी गिरवाया जा रहा है, और गरीब आदमी मजदूरी करता है और उससे उस पैसे से पानी ही डलवा लेता है। 80% पब्लिक है वो मजदूर वर्ग से है, 80% 10% जमींदार है, बाकी 80% मजदूर है जो मजदूरी करते हैं, दूसरे खेत में दिहाड़ी मजदूरी करके वही करते हैं, पर मजबूर है, क्या करें, इस गांव में रह रहे हैं तो पानी पीना पड़ेगा। इस गांव की जो पानी पीने की जो सुविधा है बिल्कुल जीरो ही मानो आप। और डिग्गियों का हालात देखो तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप डिग्गियों का हालात देखिए, इसके अंदर शराब के गंदे पौए पड़े हैं और उसके अंदर गंदगी पड़ी है और इसमें पानी नहीं है, और ये डिग्गी बिल्कुल खाली पड़े हैं, और ये दो डिग्गी है इस गांव की ही और ये भी खाली पड़ी है। ये देखिए इसके अंदर जो है घास फूस उग रहा है, पूरी तरह गंदी शीशियाँ पड़ी हैं और गंदगी ही जहाँ देखिए इसके डिग्गी के अंदर जो पड़ी है। पानी की सुविधा इस गांव को बिल्कुल नाम मात्र है। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।